अक्सर यह कहा जाता है कि कबीर साहब ने सगुण को नहीं माना है, नहीं माना है तो बात इतनी नहीं है, किंतु उन्होंने सगुण का खंडन किया है और निर्गुण पर जोर दिया है। कबीर निर्गुणवादी हैं, यद्यपि कबीर साहब ने कहीं यह नहीं कहा है कि मैं निर्गुणवादी हूँ और मैं सगुण को नहीं मानता हूँ। ये तो कबीर साहब पर लिखने वाले जो विद्वान हैं उन लोगों का एक जबरदस्ती निष्कर्ष, मनमाने ढंग से निर्णय कि कबीर सगुण को नहीं मानते और वे निर्गुण की उपासना बताते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा कहने के पीछे एक प्रकार का षड्यंत्र। यहां मैं ये नहीं कहता कि कबीर निर्गुण की बात नहीं कहते हैं या सगुण की बात कहकर कहते हैं, कबीर निर्गुण की भी बात कहते हैं, सगुण की भी बात कहते हैं और दोनों को छोड़कर इनसे आगे निकल जाने की भी बात कहते हैं। लेकिन विद्वानों का जो निष्कर्ष है कि कबीर सगुण को ना मानकर निर्गुण को मानते हैं, निर्गुण उपासना की बात कहते हैं, इसके पीछे षड्यंत्र यह है कि ऐसा कह करके कबीर की उपासना को, कबीर की भक्ति को कठिन बता दिया जाए ताकि लोग उस तरफ ना जाए, कबीर को समझने का प्रयास न करें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ढंग से कबीर पर अच्छा लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत जगह एकदम गलत निष्कर्ष दिया है। उन्होंने एक जगह लिखा है, कबीर का ज्ञान सामान्य लोगों के लिए उतना ही अग्राह्य है, कठिन है, जितना एक छोटे बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए मांसाहार अग्राह्य है। जैसे एक छोटा शिशु मांसाहार को पचा नहीं सकता, ऐसे ही सामान्य लोग कबीर की बात को समझ नहीं सकते। पता नहीं रामगोपाल वर्मा ने कबीर को पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। और यदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकदम पक्षपात रहित होकर सारे आग्रहों को छोड़ करके कबीर को पढ़े होते तो ऐसा वे न कहते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो घोर विरोधी हैं ही कबीर के, उन्होंने तो कबीर की उपासना को निर्गुण उपासना कह दिया कि कबीर की भक्ति विदेशी परंपरा से प्रभावित है, विदेशी भक्ति है। शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपनिषदों को नहीं पढ़ा था। सारी उपनिषदें
निर्गुण की ही बात कहती हैं। उपनिषदों में सगुण की चर्चा बहुत कम है, या तो नहीं है या तो बहुत कम है। छह भारतीय दर्शन में अधिकतम उपदेश निर्गुण ही है। योग दर्शन जो साधना का दर्शन है, उसमें महर्षि पतंजलि ने जो कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और उसका परिणाम, उसका फल तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये निर्गुण ही तो है। और योग दर्शन का अंतिम सूक्त, अंतिम मंत्र, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम परप्रस्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाची शक्ति रीति, ये निर्गुण की ही बात है, यहां सगुण की बात नहीं है। सांख्य दर्शन जो कहता है, एवं तत्त्वभाषान नात्मिनामे नाहमित प्रत्येतम अभिपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते गानम, ये निर्गुण की ही बात है। सगुण यहां है ही नहीं, न सांख्य में न योग में। अद्वैत ब्रह्मवाद वेदांत दर्शन का लक्ष्य निर्गुण ही है। उपनिषदें तो निर्गुण है ही। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया है आत्मज्ञान का, और कहा है कि मैत्रेयी आत्मा ही जानने देखने सुनने मनन करने योग्य है। आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्धारितव्य, ये निर्गुण ही है। उसी वेदारण्यक उपनिषद में राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने जो उपदेश दिया है आत्मज्ञान का, वह निर्गुण ही है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को तत्त्वमसि को उपदेश देते हैं, वह निर्गुण की ही बात है। उसी छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार ने नारद को भूमक उपदेश दिया है, और भूमक उपदेश देते हुए अंतिम में कहते हैं, यत्र नानत पश्यति नानत श्रृणोति नानत विजानाति स भूमा, जहाँ दूसरे को नहीं देखा जाता, दूसरे को नहीं सुना जाता, दूसरे को नहीं जाना जाता, वो भूमा, ये निर्गुण की ही बात है। किसी उपनिषद को आप उठाकर देख लें, केन उपनिषद के शुरू में ही ऋषि ने कह दिया है, न तत चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो, वहां आंखें नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचता, उसे जाना ही नहीं जा सकता। यश मतम तस्य मतम मसम व्यस्य न वेदसा, ये निर्गुण की ही बात है। अब इन सारी बातों को नजरअंदाज करके कह दिया जाता है कि कबीर की बात विदेशी परंपरा से प्रभावित है। लोग अपने दर्शन ग्रंथों को और अपने अध्यात्म की पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करते ही नहीं है। मुख्य बात यहां पर हम ये चर्चा करनी है कि कबीर साहब क्या मानते हैं, क्या सगुण को बिल्कुल नहीं मानते, क्या उनका सारा उपदेश निर्गुण के लिए है। कबीर साहब सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं। हाँ, परिभाषा अपने ढंग से देते हैं। किस वस्तु की परिभाषा हम किस प्रकार से करना चाहते हैं, उसका वर्णन किस प्रकार से करना चाहते हैं, ये हमारा अपना मन हो सकता है। परिभाषा अलग अलग होती है, निरूपण अलग अलग होता है, वो तो मर्जी अपनी अपनी। साहेब की एक साखी है, प्रसिद्ध साखी, सरगुण की करी सेवा निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे
तहां हमारा ध्यान, सगुन की सेवा करो। साफ कर रहे हैं सर साहब, सगुन की सेवा, निर्गुण का ज्ञान और ध्यान, इन सगुण निर्गुण दोनों से परे। साहब यहां सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं और अंत में दोनों को छोड़ देते हैं, सगुण निर्गुण से ऊपर उड़कर चले जाते हैं। सेवा सदैव सगुण की होती है, सगुण प्राणी जो खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, वो सगुण ही तो है। जितने पदार्थ हैं भौतिक जड़ पदार्थ, सब सगुण ही तो है। सगुण रूपी जड़ पदार्थ से सगुण रूपी प्राणियों की सेवा होती है। आखिर सेवा कैसे करोगे आप? शरीर से करोगे तो शरीर सगुण है, भोजन से करोगे तो शरीर भोजन सगुण है, रुपये से सेवा करोगे तो रुपया सगुण है, किसी को कपड़ा दोगे तो कपड़ा सगुण है, किसी को दवाई दोगे तो दवाई सगुण है। कोई चीज आप ले लो दुनिया की, सब सगुण है, क्योंकि उनमें सत रजस्तम ये तीनों गुण हैं। और जिनकी सेवा कर रहे हैं किसी मनुष्य की या किसी प्राणी की, वो सगुण है क्योंकि शरीरधारी है। तो सेवा सदैव सगुण की होती है और सगुण पदार्थों से होती है। यहां इस पर साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो, लेकिन सेवा में रुको मत, आगे बढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो और निर्गुण का करो ज्ञान। ज्ञान किसका करना है? निर्गुण का। और निर्गुण कौन? सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे आपकी जो चेतना है, घट घट में बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, जीव तत्व, चेतन तत्व, उसको आप ब्रह्म तत्व, राम तत्व कह लो, वह निर्गुण है। जिसे हम आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान निर्गुण है। लेकिन जब ध्यान पर बात आएगी तो न वहां सेवा है न वहां ज्ञान है, सरगुण निर्गुण से परे, सगुण और निर्गुण दोनों से परे ध्यान। सोचें जब आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, कोई विचार मन में नहीं रह गया, उसमें सगुण है या निर्गुण है? मन ही शांत हो गया तो सगुण भी खत्म, निर्गुण भी खत्म, दोनों से परे पूर्ण विश्राम। सरगुण निर्गुण से परे कहां हमारा ध्यान? अब इस साखी में बताए साहब कहते हैं कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो और ध्यान के लिए सगुण निर्गुण दोनों को छोड़ दो। तो आप कबीर को क्या कहोगे? सगुणवादी कहोगे कि निर्गुणवादी कहोगे कि दोनों से परे की वादी कहेंगे? यहां तो कुछ तो कोई नहीं ठहरते साहब, कुछ नहीं ठहरते साहब। कबीर ऐसे महापुरुष हैं जो सारी पकड़ से ऊपर हैं, सबको लेकर के चलते हैं और सबसे परे, सबसे न्यारे भी हो जाते हो। साहब का एक पद है जिसमें उन्होंने सगुण निर्गुण की बड़ी अच्छी परिभाषा और व्याख्या दी है। संतों परिमन अर्जनी भारी, कहे सुने कुछ हाथ ना आवे, अभिगति की गति न्यारी। कोई कहे हम निर्गुण सेवें, निर्गुण का गुण कैसा, को निर्गुण को सरगुण कहिए ये ही बड़ा अंदेशा। निर्गुण कहिए ज्ञान महात्म, सरगुण संत विराजे, गुण भी निर्गुण हाथ न आवे, देखत अवगुण भाजे। सरगुण निर्गुण एक रूप है, बिरला जन पद परते, हंस सिमिट एक रूप होवे, अमी सुधारत बरते। कहें कबीर अंतर की करनी, प्रगट होए तब साची, साँच ही साँच सदा जो जीवे, गगन मगन होए नाशी।
संतों परिमन अर्जन भारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, शुद्ध सत, उसके बारे में लोगों के मन में बहुत उलझन हो गई है। संतों परिमन अर्जन भारी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, कोई कह रहा नहीं वो सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है, कोई कह रहा है वो अमुक लोक में रहता है, कोई कह रहा है वो अमुक लोक में रहता है, कोई कहता है कि ऊपर आकाश पाताल में कहीं कोई लोक ही नहीं है, वो घट घट में रहता है। जितने आदमी उतने विचार, बड़ी उलझन। आप नाना गुरुओं और नाना पंडितों की बात सुन करके यदि चाहें कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो नहीं पहुंच सकते। जब तक आपका खुद निष्कर्ष नहीं होगा, स्वयं आप विवेक नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे, तब तक आप कहीं पहुंच ही नहीं सकोगे। तो बड़ी उलझन है। क्यों? क्योंकि लोग शांत होकर, एक चित्त होकर, निष्पक्ष होकर विवेक नहीं करना चाहते हैं। कहे सुने कोई हाथ ना आवे, साहब कहते कहने सुनने से हाथ नहीं आने वाला है। जितना कहते सुनते रह जाओ, पढ़ते लिखते रह जाओ, जब तक साधना की गहराई में, ध्यान की गहराई में उतरा नहीं जाएगा, कहने सुनने से ये आत्म तत्व हाथ आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अविगत की गति न्यारी। ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, वह मन और इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है। हम स्थूल इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से उस आत्म तत्व को पकड़ना चाहते हैं, कैसे पकड़ पाएंगे? हमारे पास जानने का माध्यम, साधन क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां, और इन पांचों के ऊपर छठा मन। आंख से दिखाई पड़ेगा वो रूप होगा, कान से सुनाई पड़ेगा शब्द होगा, नाक से सूंघने में आएगा, पकड़ने में आएगा वो गंध होगी, जीभ से जो जानने में आएगा वो स्वाद होगा, और त्वचा से जो जानने में आएगा वह स्पर्श होगा, कठिन कोमल ठंड गर्म, वो परमात्मा कैसे हो जाएगा? और मन से जो सोचने में आएगा वह मन की मान्यता होगी, कल्पना होगी, आभास होगा। और हमारे पास माध्यम यही है, पांच इंद्रियां हैं और छठा मन, और इनके द्वारा हम उस तत्व को पकड़ना चाहते हैं। साहब कहते हैं वो जो आत्म तत्व, शुद्ध तत्व है, ब्रह्म तत्व, वो अविगत है, मन और इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं भी कहा था ना कि उपनिषद का मंत्र, न तत्व चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति, न मनो, न मिदमो, न विदानीमो, वहां मन नहीं पहुंचता, आंखें नहीं पहुंचती, बुद्धि नहीं पहुंचती, उसे हम जान नहीं सकते कि वह कैसा है। इसी के लिए कि उपनिषद के ऋषि ने ही कहा था कि एन मनुषा न मनते नाहुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्म विधि निदम यदि उपासते। मन से मानकर जिसकी तू उपासना करते, जिसे मन से माना नहीं जा सकता, जो मन द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किंतु जिसकी सत्ता से मन मनन करता है वह ब्रह्म है, और मन से मानकर जिसकी उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। मतलब जिसका मन द्वारा मनन नहीं हो सकता, किंतु जिसकी सत्ता से मन मनन करता है, और मनन कौन करता है? सत्ता किसकी है? आपकी। यह चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंति पश्यति तदे ब्रह्मत्व विधि निदम यदि उपासते। जिसे आंखें नहीं देख सकती है,
किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखने में समर्थ होती है उसको तू ब्रह्म जान, और आंखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। आंख से देखेंगे तो भौतिक रूप होगा, वो आत्मा या ब्रह्म परमात्मा कैसे हो जाएगा? जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, सत्ता कौन है देने वाला है, सत्ता किसकी है? जिसकी सत्ता है उसको समझे वही ब्रह्म, और वो आपका अस्तित्व, आप स्वयं। तो कहे सुने कुछ हाथ ना आवे, अविगत की गति न्यारी। चाहते कहने सुनने से कुछ हाथ नहीं आने वाला है, कहते सुनते रहे जिंदगी भर, पढ़ते लिखते रहे जिंदगी भर, अनुभव में कुछ नहीं आने वाला है। उसके लिए मन और इंद्रियों को समेट कर साधना ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा, तब ये उलझन मिटेगी। हम साधना नहीं करना चाहते, खाली विवाद करके समझना चाहते हैं। कितने लोग कहते हैं, तुम कहते हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे दिखलाओ तुम आत्मा हो तो कैसा है आत्मा, तो देखोगे कैसे? आप देखेंगे कैसे उसको आत्मा को? आप कौन हैं? एक विद्वान ने लिखा है, एक पत्रिका में एक बार उनका लेख छपा था, लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, तो मेरे मन में हुआ कि चलो आत्मा है तो खोजूं तो कहां है शरीर में आत्मा, तो मैं खोजने लगा, एड़ी से लेकर के चोटी तक और चोटी से लेकर एड़ी तक कई बार घूमा, लेकिन आत्मा मुझे कहीं मिला नहीं। तो आप कौन है जो आत्मा को खोज रहे थे? जो ये सोच रहा था कि मैं आत्मा को खोजूं, आत्मा को देखूं, वह कौन है पहले वो उसको जान लो, वही आत्मा है। जो सोचता है कि मैं आत्मा को खोजूं, आत्मा को देखूं, आत्मा को पकड़ूं, ऐसा जो सोच रहा है ना वही आत्मा है, उसको पकड़ लो, आत्मा पकड़ने में आ जाएगा। साहब कहते कहे सुने कुछ हाथ ना आवे, कहने सुनने से हाथ में नहीं आने वाला, पकड़ने में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अविगत की गति न्यारी, वो अविगत है, मन इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, उसी गति विलक्षण है। कोई कहे हम निर्गुण सेवें, निर्गुण का गुण कैसा? साहब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम निर्गुण को उपासना करते हैं, हम निर्गुण के मानने वाले हैं, तो साहब कहते हैं अच्छी बात, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे निर्गुण का लक्षण क्या है, उसका गुण कैसे, कैसे हम पहचाने तुम्हारा निर्गुण के? क्योंकि किसी भी वस्तु की पहचान एक लक्षण से होती है, लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है, लक्षण प्रमाण से वस्तु सिद्धि होती है। आपकी गाय खो गई है, आप खोजने जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिला, उसे आपने पूछा भैया मेरी गाय खो गई है, इधर गई है क्या, आपने देखा है क्या? वो पूछता है आपकी गाय कैसी है, क्या रंग है, कैसी सिंग है? कहे ये तो मुझे मालूम नहीं है, मेरी गाय का कोई रंग नहीं है। तो वो क्या बताएगा, कोई लक्षण बताओगे ना, कोई प्रमाण बताओगे, कोई पहचान बताओगे, तब तो बताएगा आदमी। ऐसे ही कहते हैं कि हम निर्गुण की उपासना करते, हम निर्गुण मानने वाले हैं। साहब कहते हैं ये बताओ तुम्हारे निर्गुण का गुण कैसा है, उसका क्या लक्षण है, उसकी क्या पहचान है, पहचान बताओ, तब तो हम मानेंगे कि तुम निर्गुण की उपासना करने वाले हो। कौन निर्गुण को सरगुण कहिए, यही बड़ा अंदेशा। साहब कहते मुझे तो यही चिंता है, यह अंदेशा है कि किसको निर्गुण कहा जाए और किसको सगुण कहा जाए। ये सगुण निर्गुण का विवाद, व्यर्थ का विवाद है। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इसे सही ढंग से समझना पड़ेगा। साहब खुद बताते हैं कि सगुण निर्गुण
का लक्षण क्या है, कौन सगुण कौन निर्गुण। कबीर साहब की वाणी समझने के लिए थोड़ी गहराई में बैठना पड़ता है। ऊपर ऊपर तैरते रह जाएंगे ना तो खाली शैवाल हाथ में आएंगे, मोती के पाने के लिए तो गोता लगाना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये कबीरवाणी के लिए भी बात सच है। और लोग कबीरवाणी में ऊपर ऊपर तैरते रह जाते हैं, डरने गोता लगाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमारा माना हुआ सब उड़ जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए साहब बताते हैं कि निर्गुण कौन सगुण कौन। निर्गुण कहिए ज्ञान महात्म, सरगुण संत विराजे, गुण बिन निर्गुण हाथ ना आवे देखत अवगुण भाजे। हाँ, यदि निर्गुण कहना चाहो तो ज्ञान महात्म, प्रत्येक घट में प्रत्येक शरीर में विराजमान जो चेतन तत्व है, राम तत्व, जो ज्ञान स्वरूप है, जो केवल ज्ञान मात्र है, वो निर्गुण है। क्यों? क्योंकि वह सत रज तम इन तीनों गुणों से परे है, रहित है। चाहे भौतिक जगत हो चाहे मानसिक जगत हो, ये दोनों जगत त्रिगुणात्मक। भौतिक जगत ये संसार, इसमें हर समय क्रिया चल रही है। दुनिया में कोई भी भौतिक पदार्थ क्रियाहीन नहीं है, हर समय क्रिया चल रही है, हर समय क्रिया, हर भौतिक पदार्थ क्रियाशील, क्रिया ही की संपत्ति है। कोई भी भौतिक द्रव्य बिना गति के रहेगा नहीं, और गति में क्रिया अपने आप है। तो ये गति क्रिया रजोगुण का क्या स्वभाव है, रजोगुण के कारण गति क्रिया है उसमें। लेकिन हर पदार्थ में स्थिरता थोड़ी पुष्टि है, जो पदार्थ बनते हैं उनमें थोड़ी पुष्टि होती है, ठहरते हैं वो। ये ठहरना ये पुष्टि होना लक्षण है सतो गुण का। लेकिन अंत में विनष्ट हो जाते हैं सारे पदार्थ, और विनाश होना किसके कारण से? ये तमोगुण का स्वभाव है, तमोगुण के कारण से उत्पत्ति, द्रव्यता और विनाश। ये दुनिया में ये तीनों बराबर चल रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है, द्रव्यता मतलब स्थिरता हो रही है, और विनाश हो रहा है। तो उत्पत्ति रजोगुण, द्रव्यता स्थिरता सतोगुण, और परिवर्तित होते हुए तो नष्ट हो जाना, ये तमोगुण हर भौतिक पदार्थ में है। ऐसे हमारे मानसिक जगत में मन में इच्छा चाहना, शरीर से क्रिया, ये रजोगुण। ज्ञान प्रसन्नता सतोगुण, आलस मूढ़ता प्रमाद निद्रा ये तमोगुण। आदमी इच्छा करता है किसी चीज की को पाने के लिए, और पाने के लिए इच्छा करके बाद फिर क्रिया भी करता है। रजोगुण ना हो शरीर में तो आप कोई सोच भी नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं किसके कारण से? रजोगुण के कारण से। बिना रजोगुण के ना मैं बोल पाता हूं, ना बिना रजोगुण के आप सुन पाएंगे। ये कहना सुनना रजोगुण में ही होता है, क्रिया रजोगुण में होती है। लेकिन हर समय हम कहते सुनते नहीं हैं, शांत रहते हैं। तो ज्ञान और प्रसन्नता ये सतोगुण का स्वभाव है। सतोगुण सात्विक होता है, और सात्विक सात्विकतम प्रसन्नता अपने आप रहती है। लेकिन हर समय न हम क्रिया करते हैं, न हर समय में हम बैठे रहते हैं, हमें नींद आती सोते हैं, अंधकार की जरूरत है। जब हम सोने चलते हैं कहते हैं बत्ती बुझा दो, ये अंधकार क्या है? ये तमोगुण है। बिना तमोगुण की नींद नहीं आएगी।
तो भौतिक जगत और मानसिक जगत सारा जगत त्रिगुणात्मक, इन दोनों से परे आपका शुद्ध स्वरूप चेतन जो ज्ञान स्वरूप है, जिसका लक्षण, जिसका गुण ज्ञान, धर्म ज्ञान, सब कुछ ज्ञान है, वह जो चेतन तत्व है आपका स्वरूप, जो प्रत्येक जीव का अपना स्वरूप, साहब कहते हैं वो ज्ञान महात्म, जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान गुण वाला जो चेतन तत्व है वह निर्गुण है, लेकिन सरगुण संत विराजे, जो संत हैं जिनमें दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार ज्ञान वैराग भक्ति के गुण हैं, ऐसे संतगण प्रत्यक्ष सगुण भगवान। इसलिए साहब ने कहा तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है, तेरा जो ब्रह्म है, तेरा जो खुदा है, वो घट के भीतर आंख बंद करो, किसके लिए कह रहे हैं साहब, उस निर्गुण चेतन के लिए कह रहे हैं। और जब साहब ये कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कठन धारो खुले नैन हथ हथ पहचानो सुंदर रूप निहारो, खुले नेत्रों से हाथ कर देख दो सुंदर रूप, किसके लिए कह रहे हैं, सगुण के लिए कह रहे हैं। देखो ये प्राणी जगत सामने बैठा है, सगुण भगवान भगवती देवी देवता, तो सरगुण ज्ञान सरगुण संत विराजे, जो संत हैं वे सगुण हैं। कबीर साहब अपनी पूरी वाणियों में दो उपासना बताते हैं, एक जीव की उपासना, जीव की आत्मसिद्धि स्वरूप का ज्ञान, और संत गुरु की उपासना सेवा। जीव निर्गुण है और जिनकी सेवा से जिनके उपदेश से उसका ज्ञान होता है वे संत गुरुजन सगुण है। इसलिए निर्गुण कहिए ज्ञान महात्म सरगुण संत विराजे, सब और कह देते हैं गुण भी निर्गुण हाथ ना आवे। सोचें यदि संत न मिलते गुरु न मिलते तो क्या हमें अपनी आत्मा अपने स्वरूप का बोध होता, किसी को कोई कुछ ज्ञान मिलता, हम सब शरीर को अपना स्वरूप मान करके भूले रहते, शरीर के भोगों में डूबे रहते, खाने पीने में ही मानते, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन संत मिले गुरु मिले, उन्होंने बताया अरे शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तो जड़ है, मिट्टी पानी हवा से बना हुआ है, हड्डियों का ढांचा है, मांस भरा हुआ है, तुम इसे शुद्ध चेतन हो, इसे अलग कौन बताया, संत और गुरु बताए ना, संत गुरु के द्वारा तो ज्ञान हुआ, तो गुण बिना निर्गुण हाथ ना आवे। सदगुरु कहते हैं कि बिना गुण के बिना सगुण संतों गुरुजनों के निर्गुण समझ में नहीं आ सकता है, सगुण द्वारा ही निर्गुण का बोध होगा। निराधार आधार ले जानी, निराधार को हम आधार से जानते हैं, शरीर चेतन निराधार है, लेकिन शरीर ना हो तब मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं कहते हम कह रहे हैं, शरीर माध्यम से कह रहे हैं ना। सोचें हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हम कह पाएंगे हम शुद्ध बुद्ध चेतन है, निर्मल निर्विकार है, कहोगे कैसे, कहने के लिए मन चाहिए वाणी चाहिए, और बिना शरीर के न मन होगा न वाणी होगी। तो निर्गुण का ज्ञान सगुण के माध्यम से ही होगा, बिना सगुण के निर्गुण का ज्ञान हो ही नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, बिना मन की कल्पना कैसे करोगे, कल्पना होगी मन से और मन होगा शरीर से, बिना शरीर के मन कहाँ रहेगा, मन भी सगुण है शरीर भी सगुण है। तो गुण बिन निर्गुण हाथ ना आवे, बिना गुण के बिना सगुण के निर्गुण को समझ में आने वाला नहीं है। देखत अवगुण भाज्य, जब संत मिले गुरु मिले उन्होंने सेवा बताई, पहले हमने सेवा की, और सेवा करने के पश्चात उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का उनके उपदेशों का जब जीवन में हम प्रयोग करने लग गए तब क्या हुआ, देखत अवगुण भाज्य,
गुरु के ज्ञान का जब जीवन में आचरण प्रयोग होने लग गया, तब हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के दुर्गुण थे, ये सब भाग गए। बिना गुरु के पता छोड़े चलता, हम तो काम क्रोध लोभ मोह को अपना स्वरूप मान लिए हैं, समझते हैं यही जीवन का लक्ष्य, ये जीवन का उद्देश्य, इनमें पड़े रहना, उन्हें त्यागने की बात कभी आती ही नहीं है। जब हम देखते हैं किसी को निष्काम, मनसा वाचा कर्मणा काम वासना काम भोग काम क्रिया का सर्वथा त्याग, तो उसको देखकर हमें प्रेरणा होती कि नहीं, हम भी ऐसे रह सकते। पहले हम मानते थे कि इसी काम वासना में डूबे रहना ये जीवन का लक्ष्य है, कभी काम वासना का त्याग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब देखे किसी को तो लगा नहीं, जब ये रह सकते हम भी रह सकते हैं। हम मानते थे कि प्रतिकूल व्यवहार पाकर, प्रतिकूल काम देखकर, प्रतिकूल बात सुनकर, हानि देख करके, घाटा सह करके क्रोध करना तो जायज ही है, बिना क्रोध के आदमी रहेगा कैसे। हम मानते हैं क्रोध तो स्वभाव ही है, लेकिन हमने देखा किसी को, चाहे उन्हें कितनी गाली दे दो, कितना अपमान कर दो, कितनी उसकी बुराई कर दो, कितना उसको नुकसान कर दो, उसे मार भी दो, फिर भी वो शांत निष्क्रोध, तब लगता है नहीं, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, बिना क्रोध के भी रहा जा सकता है। जब हम देखते हैं ऐसे लोगों को और उनके उद्देश्य का जब जीवन में आचरण करते हैं, तब देखत और गुण भाजे, ऐसे जब प्रत्यक्ष संतों को जीते हुए देखते हैं और उनको उपदेश सुनते हैं, स्वयं जीवन में आचरण करते हैं, तब हमारे मन अंतःकरण से अवगुण का त्याग हो जाता है, अवगुण दूर हो जाते हैं। निर्गुण सरगुण एक रूप है, बिरला जनपद पर से कहते हैं अंततो गत्वा, निर्गुण और सरगुण एक ही तत्व के दो रूप हैं, लेकिन सारे पक्षपातों से रहित तो होकर कोई बिरला व्यक्ति ही इस बात को समझने का प्रयास करता है और उसमें स्थित होता है। जैसे किसी सिक्के के दो पहल होते हैं, एक पहल का सिक्का नहीं होता, यदि है तो खोटा सिक्का है, सिक्का मतलब दो पहल। ऐसे ही साहब कहते हैं तत्व तो एक है, सगुण और निर्गुण उसके दो पहल हैं। सारा व्यवहार सगुण में होता है, शरीर के माध्यम से व्यवहार का जहां तक क्षेत्र है सगुण का क्षेत्र है। बिना सगुण के व्यवहार कौन करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, किसमें करेगा। तो जो सेवा का क्षेत्र है, व्यवहार का क्षेत्र, वो सगुण का क्षेत्र है। लेकिन सेवा से हमें छुट्टी मिल गई, जब हम सेवा में कर लगे हुए हैं तब सगुण का क्षेत्र है। सेवा से छुट्टी ले लिए हम, ध्यान में बैठे, साधना में बैठ गए, मन को शांत कर लिए, तब कहाँ रहा, कौन क्षेत्र रहा, निर्गुण क्षेत्र आ गया ना। वही एक व्यक्ति है जब सेवा कर रहा है तब सगुण उपासना में लगा हुआ है, और सेवा छोड़ करके ध्यान में आ गया तब निर्गुण उपासना में लग गया। चीज एक ही है सगुण और निर्गुण के। शुद्ध जीव निर्गुण तत्व है, शरीर में है तब सगुण तत्व है। निर्गुण और सगुण को अलग अलग काट करके देखा ही नहीं जा सकता है, हम अलग अलग काट देते हैं और काट काट कर समझने का प्रयास करते हैं, दोनों एक। इसी पर तो कहानी कही जाती थी ना, सबको याद है, कुछ नए लोग आए हैं उनको शायद याद ना हो, लेकिन बहुतों को याद हो कहानी। और कहानी भी इसी समझाने के लिए है कि दो भाई, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, दोनों साथ साथ प्रेम से रहते थे, धीरे धीरे दोनों में विवाद हुआ, विवाद बढ़ गया, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, बंटवारा हुआ, सारी चीजें को दोनों भाइयों ने बांट लिया, सारी सब चीजें बढ़ गई,
कोई चीज साझे में नहीं, सब चीज बढ़ गई। जब सारी चीजें बढ़ गई तब उन दोनों ने कहा अब गुरु को बांटो। पंचों ने कहा गुरु को कैसे बांटोगे, अब गुरु कोई बांटने चीज थोड़े हैं। कहा नहीं, अब गुरु को बांटना पड़ेगा, अब हम दोनों एक गुरु की सेवा नहीं कर सकते हैं, गुरु को बांटना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा बड़े मूढ़ लोग हैं ये लोग, गुरु को ऐसे बांटेंगे। लेकिन कहा दोनों हट पकड़े गुरु को बांटना ही है, तो गांव वालों ने कहा चलो भाई जिद्दी में है ये लोग, बड़े जिद्दी हैं, जिद में हैं। तो कहा देखो भाई गुरु के पैर ही पूजे जाते हैं, गुरु आते हैं तो पहले पैर धोया जाता है, पैर छुआ जाता है, पैर ही पूजा होती है, गुरु के पैर पूजे जाते हैं। तो कह दिया कि बड़ा भाई गुरु के दाहिने पैर को पूजेगा और छोटा भाई गुरु के बाएं पैर को, दाहिना पैर बड़े भाई का और बायां पैर छोटे भाई का। बड़े गुरु महाराज को पता ही नहीं कि मेरा बंटवारा हो गया है। 6 महीने बीते, गुरु जी आए, सोचे कि बहुत दिन हो गए भगत जी के यहाँ गए, चलो चलता हूँ। 6 महीने बाद गुरु जी आए, बड़े भाई का मकान सामने पड़ता था, वहीं उतरे। बड़े भाई ने देखा गुरु जी आए हैं, बड़े खुश हुए, खाट लाए, बैठाए। अब बैठा कर फिर पैर धोने के लिए परात कमंडल पानी ले आए, गुरु महाराज ने अपना दाहिना पैर बढ़ा दिया। बड़े प्रेम से भाई, बड़े भाई ने रगड़ रगड़ करके साबुन लगा करके भी कहना चाहिए, अब कह दो पियर साबुन कह दो तभी चलेगा, उसके पैर को धोया। जब पैर धुल गया तो गुरु जी ने अपना बायां पैर आगे बढ़ा दिया। जब जैसे बायां पैर दाएं बड़े भाई के हाथ से छुआ, जोर से लोटा महाराज, अरे महाराज ये दुश्मन का पैर मेरे हाथ में छुआ दिए, क्योंकि वो तो जो बायां पैर तो छोटे भाई का है ना, और छोटे भाई दुश्मन। जोर से मारा एक लोटा, महाराज ये दुश्मन का पैर मेरे हाथ में छुड़ा दिया। और गुरु अचानक चोट लगी, गुरु महाराज तो घबरा गए क्या हो गया। जब फिर मारे तो फिर गुरु महाराज वहां से उठे, लंगड़ाते हुए छोटे भाई के दरवाजे पर गए, उन्होंने भी खाट बैठाया, कहा लंगड़ाते गुरु जी आ रहे हैं, देखा कि पैर में चोट लगी हुई है बाएं पैर में। कहे गुरु जी ये बाएं पैर में चोट कैसे लग गई। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे बड़े भाई के यहाँ गया था तो पैर धोने पानी लाए, तो मैंने दाया पैर को पहले बढ़ाया तो उन्होंने दाया पैर को धोया, बाएं पैर जब धो लिया तो मैंने बाएं पैर को आगे बढ़ा दिया। तो उन्होंने लोटा से जोर से मारा कि दुश्मन के पैर में हाथ छुड़ा दिया, उसी की चोट है। कहे अच्छा मेरे पैर को उन्होंने लोटा से मारा, ठहरिए गुरु जी उसके पैर को मैं कुल्हाड़ी से काटूंगा। अब ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों पैर गुरु जी के हैं लेकिन हम अनाड़ी बांट लिए। ऐसे ही एक ही सत्ता के निर्गुण और सगुण, एक सत्ता के दो रूप है, व्यवहार में सगुण और साधना में निर्गुण। तो निर्गुण सरगुण एक रूप है, कहते हैं निर्गुण और सरगुण दोनों का एक ही रूप है। बिरला जनपद पर से, लेकिन कोई बिरला तत्वविवेकी निष्पक्ष साधक ही इसको समझ सकता है, और समझ करके जो वास्तविक पद है स्वस्वरूप उसमें स्थित हो सकता है। जहां तक जब तक जागता है सेवा का काम रहता है, तो खूब मन लगा करके सेवा करता, प्रेम से सेवा करता है, और फिर वही व्यक्ति समय पा करके ध्यान में बैठ करके मन को समेट लेता है, तब अपना जो वास्तविक पद है स्वरूप पद आत्म पद उसके स्पर्श करता हुए है उसमें स्थित हो जाता है। हंस सिमिट एक रूप होवे अमित सुधारत बरते, हंस विवेकी, जब कोई विवेकी साधक सिमिट कर लिया, मन इंद्रियों को समेट लिया और मन को पूर्ण एकाग्र कर लिया, अंतर्मुख कर लिया, आत्मस्थित हो गया, तब अमित सुधारत बरते, उसके जीवन में अमृत की वर्षा होती है, हर समय अमृत की वर्षा। जिनका मन
संयत, इंद्रियां संयत, इंद्रियां अंतर्मुख, मन अंतर्मुख, आत्मलीन, उसके जीवन में हर समय अमृत की वर्षा, अखंड आनंद, अखंड शांति की वर्षा हमेशा होती रहती है। उसे अमृत पाने का आवश्यकता नहीं, वह अमृत में जी रहा है, हर समय अमृत का पान कर रहा है। अमृत केरी पूरिया बहुत दिन खोरी, अमृत क्या है? अविनाशी आत्मा का ज्ञान, उसमें स्थित हो जाना, यह अमृत की वर्षा होना है हर समय। कहें कबीर, अंतर की करनी प्रगट होए तब सांची। साहब कहते हैं अंतर की जो करनी है, हृदय में मन में जो ज्ञान की बात है, वह ज्ञान की बात जब करने में उतर जाए, कहें कबीर अंतर की करनी प्रकट होए तब सांची। जब अंदर जैसी भावना है, जैसा शुद्ध ज्ञान तत्व है, वह जब करने में उतर जाए, कथनी करने में और करनी रहने में उतर जाए, तब सत्य तत्व का बोध होता है, तब जीवन में सत्य का उद्घाटन होता है। कहने से सत्य को हम नहीं समझ पाएंगे, कहने से सत्य उद्घाटन नहीं हो पाएगा, करनी उतरना चाहिए। और जब हमारा ज्ञान करनी और रहनी संयुक्त तो होता है, तभी वो ज्ञान चुंबकीय ज्ञान होता है, उसी ज्ञान से मन की पीड़ा दूर होती। साहब ने कहा है, जस कथनी तत् करनी, जस चुंबक तत् ज्ञान, कहें कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। जैसे कथनी है, अंदर की भावना जब कथनी में आ गई और कथनी के बाद जब करनी में आ गई, तो वो जो ज्ञान है चुंबकीय ज्ञान हो जाता है। आचरण युक्त रहने युक्त चुंबकीय ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति अपने मन इंद्रियों के संग्राम में विजयी नहीं हो सकता है। क्यों हम अपने मन से क्यों हार जा रहे हैं? क्यों हम कहते हैं कि साधना में बैठता हूं मन रुकता नहीं, बार बार भाग जाता है? कारण क्या है? कारण यह है कि जो हम जानते हैं उनका जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे जानने में कमी नहीं है, कमी है हमारे करने में। और जब तक हमारा जानना हमारी करने में हमारे रहने में नहीं आएगी, तब तक मन भागता ही रहेगा, चाहे एक नहीं हजार जन्म बीत जाए। यदि शिकायत है, यदि इस बात से परेशानी है, यदि इस बात का दुख है कि मन ठहरता नहीं है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है जितना हम जानते हैं उतने को करने में उतारते चले जाएं, आचरण में उतारते चले जाएं, तो ये शिकायत बंद हो जाएगी कि मन ठहरता नहीं है, मन भागता रहता है। जब करनी होगी तो मन भागेगा भागेगा, अब मन भाग रहा है तो सत्य का बोध कैसे होगा? कबीर साहब का ज्ञान इतना आकर्षण युक्त क्यों है? कबीर की वाणी लोगों को इतने आकर्षित क्यों करती है, हृदय तक क्यों बैठ जाती है? कि कबीर साहब ने जो कुछ कहा है अनुभव करके कहा है, जी करके कहा है। हम कहते हैं कि आदमिक विशेषता है, जैसी उसकी कथनी हो वैसी उसकी करनी हो। कथनी बहुत ऊंची ऊंची, कथनी कथे अगाध की, जो आकाश को गिद्ध, चारा वाके जमीन पर उड़ा भया का सिद्ध। चील आकाश में उड़ती है लेकिन दृष्टि जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर होती है। ऐसे हमारी कथनी तो ऊंची ऊंची, एकदम ऊंची ऊंची कथनी है, और करनी बिल्कुल ही निकृष्ट, तो हम चील बराबर ही तो हो गए, और क्या हुआ? तो कहा जाता है कि आदमी की जैसी कथनी होती है, जैसे मुख से वो कह रहा है, वैसे उसकी जब करनी हो जाती है, आचरण हो जाता है, तब उसकी विशेषता है। कबीर साहब के जीवन में उल्टी बात है,
जैसी कथनी है वैसी करनी नहीं है कबीर साहब की। तब क्या है, जैसी करनी है वैसी कथनी है। कबीर साहब ने पहले जिया, जी करके अनुभव किया, और जब अनुभव कर लिया जो उसके अनुभव में उसके प्रयोग में बात जब सही उतरी खरी उतर गई तब उन्होंने कहा। पहले कहा तब जिया ऐसा नहीं है, पहले जिया तब कहा। इसीलिए कबीर वाणी आकर्षित करती है, इसीलिए कबीर वाणी चुभती है हृदय तक। तो सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर अंतर की करनी प्रकट होए तब सांसी। अंतर की जो करनी जो भावना है, अंतर का जो ज्ञान है वो करनी में उतर जाए और करनी से रहनी में चला जाए तब समझना चाहिए कि जीवन में सत्य का उद्घाटन हो रहा है या उद्घाटन हो गया है, जीवन सत्यता पूर्ण व्यतीत हो रहा है। सांच ही सांच सदा जो जीवे गगन मगन होए नाशी, जो सांच ही सांच जीता है हर समय साथ, वाणी में सत्यता, मन में सत्यता, भावना में सत्यता, करनी में सत्यता, जिसके मनसा वाचा कर्मणा सत्यता प्रतिष्ठा हो चुकी है वो मगन होकर के नाचता है। नाचने का मतलब क्या है, हर समय उसके जीवन में आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती, हर काम वो मगन होकर करता, उसके जीवन से दुख विदा हो गया। तो इस मुख्य पद बात इस पद में यह है, कबीर साहब कहते हैं कि निर्गुण और सगुण अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। हम मानते हैं सगुण किसी चित्र और मूर्ति की उपासना, ठीक है वो आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन जो आपके ढंग से पूजा नहीं करता, आपके चित्र को नहीं मानता, आपकी मूर्ति को नहीं मानता, उसको आप निर्गुण कैसे कह सकते हो। जो चित्र मूर्ति को नहीं मानता वो सगुण प्राणियों की सेवा करने की बात कहते हैं, सदगुरु को प्रार्थना करने की बात करते हैं। सच्चा सगुण तो प्राणी है ना, जिस वस्तु का अनुभव होता है। चित्र और मूर्ति तो वस्तुतः निर्गुण है, क्योंकि उसमें न जानने का गुण है, न बोलने का गुण है, न सोचने का गुण है, न खाने पीने का गुण है, न चलने फिरने का गुण है, प्रणाम करो तो आशीर्वाद देने का गुण है, कोई गुण नहीं है। आपके घर में किसी महापुरुष की मूर्ति है या चित्र है, आप उसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, उसे हाथ जोड़ते हो, वो आपकी भावना है। नमस्कार आप करते हो रोज, प्रणाम आप करते हो रोज, एक दिन वहां से आशीर्वाद नहीं मिलता फिर भी आप प्रणाम कर रहे हो, तो आप बहुत वीर हैं, आप बड़े समझदार हैं। तो लड़ना नहीं है, विवाद नहीं करना है, समझना है और समझ करके जीवन को जीना है। प्राणी जगत, सगुण परमात्मा और उसमें भी प्राणियों में मनुष्य और मनुष्यों में भी निर्मल जीवन संत गुरुजन, ज्ञान वैराग चरित्रवान संत गुरुजन, प्रत्यक्ष परमात्मा सगुण परमात्मा, इनकी सेवा से सच्चा बोध मिलेगा, इनकी सेवा से सच्चा ज्ञान मिलेगा और आत्मा अनात्म की परख होगी। और अंततो गत्वा जिस परमात्मा को पाकर स्थित होने से पूर्ण विश्रांति मिलेगी, भटकाव दूर होगा, वो आपका स्वरूप आपकी चेतना है, जो सत्र स्तम इन तीनों गुणों से रहित उसका ज्ञान और ज्ञान पाकर के उसमें स्थिति। सही ढंग से यदि हम सगुण निर्गुण को समझ लें तो जीवन में क्या व्यवहार में भी कहीं विवाद होगा ही नहीं। तो खास बात यह है, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने सगुण को ना मानकर निर्गुण को माना है, निर्गुण को उनका उपदेश दिया है, ऐसे लोग का कहना सही नहीं है, एकांगी कथन है, पक्षपातपूर्ण कथन है। कबीर साहब सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं और दोनों से ऊपर उठ करके पूर्ण आत्मविश्राम आत्मस्थिति की बात कहते हैं।
इसलिए हमें समझना है, सगुण में व्यवहार है, सेवा है और ध्यान में निर्गुण की दशा है। सेवा भी करें और सेवा कर चित्त को शुद्ध करके निर्गुण आत्म तत्व में स्थिति बनाएं।